सिवरल स्केल एग्जिस्ट टू द पर्सनल स्किल प्रेशर और डेवलपमेंट। इस तरह के बहुत से स्किल है जो हमें बताता है कि पेशेंट रेस के पर प्रेशर अल्सर के, जिसमें नॉर्टन स्केल और ब्रेडन स्केल और वाटर लो स्केल इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड दिस वी आल्सो यूज पोस्ट 3.0 टूल फॉर द मॉनिटरिंग। हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन स्केल पर तवज्जो देंगे और अल्सर हीलिंग पोस्ट मीन्स प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। तो अभी हम तीन स्केल पर तवज्जो देने वाले हैं। नॉर्टन स्केल, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस दिखाई देता है, और दूसरी तरफ गुड, फेयर, पुअर, वेरी बैड, अलर्ट, एपेथिक, कंफ्यूज, स्टुपोरस, एम्बुलेंट, ये सारे टर्म दिए गए हैं। वॉक्स विद हेल्प, चेयरबॉर्न, बेडफॉल, फुल, स्लाइडली इम्पेयर्ड, वेरी लिमिटेड, इमोबाइल, नॉन, ओकेजनल, यूजुअल, यूरिनरी, यूरिनरी एंड फेशियल। मतलब कि यहाँ पर एक टॉपिक का नाम दिया गया है और यहाँ पर इसके पॉइंट्स है, नंबर है, और इसको जब यानी कि एक पेशेंट आया है एक ख़ास कंडीशन के साथ, फिजिकल कंडीशन अच्छी है, तो मैं वो क्या देता हूँ, 4 का नंबर देता हूँ, और मेंटल कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, कंफ्यूज है, 2 देता हूँ, और यहाँ पर मैं मोबिलिटी हरकत सारा पड़ा रहता है तो इसको मैं बिल्कुल इमोबाइल करता हूँ, 1 देता हूँ, और इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इसको मैं क्या करता हूँ, यूजुअली यूरिनरी मतलब स्किन पर यूरिन गिरता है तो 2 देता हूँ। अभी मैं इसको सम अप करता हूँ, ये 4, 2, 6 और 7, और यहाँ पर इमोबाइल 1, 8, और यहाँ पर ओके यूरिनरी यूजुअल यूरिनरी 8 को जब 2 प्लस करते हैं 8, 9, 10। अभी हम यहाँ पर 10 को देखते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 18, अगर 18 से ऊपर हो तो ये लो रिस्क पर है, कोई रिस्क नहीं है प्रेशर अल्सर को प्रोड्यूस करने में। अगर 18 और 14 के दरमियान है तो ये मीडियम रिस्क के दरमियाना, और अगर 14 और 10 के दरमियान है तो ये हाई रिस्क है, और अगर लेसर देन 10 है तो ये वेरी हाई रिस्क है। पेशेंट के कंडीशन को देख कर जब मैंने कुछ वैल्यू ली तो मेरे पास 10 आ गया, मतलब कि 10 यहाँ जब हम नीचे देखते हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट हाई रिस्क पर है। ये भी नॉट अन की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि टॉपिक चेंज किए गए, इसमें क्या होता है कि सेंसरी को फर्स्ट पे रखा गया, यानी कि सेंसरी कोई सेंसेशन उसका स्किन करता है या नहीं। यहाँ पर मैं नंबर दूंगा 2, बहुत कम, और मॉइस्चर स्किन कैसा है, अगर ज़्यादा उम्र का है तो मैं रेरी मॉइस्चर 4 नंबर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया 2 और 4, 5, 6 हो गए। और एक्टिविटी में चेयर 5 देता हूँ, मतलब चेयर पर बैठा रहता है, 6, 7, 8, और यहाँ पर मैं कम्प्लीटली इमोबाइल हरकत नहीं करता 9, न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है 10, और फ्रैक्शन और शेयर ज़्यादातर क्या करता है, फ्रैक्शन और शेयर के पोर्स में भी मतलब उस पर लग जाता है, तो इसमें मैं 2 देता हूँ, तो 10 मेरे ख्याल में 11, 12 हो गए। और जब मैं यहाँ पर 12 देखता हूँ, 16 और लेस 16 हो और अगर लेस हो तो यहाँ पर 16 से लेस हो तो ये रिस्क पर है। तो बिल्कुल जो मैंने 12 का मेरा नंबर आया, आपका कोई भी आ सकता है, अगर आप पेशेंट की मतलब डायग्नोस करते एसेस करते तो यहाँ पर मेरा 12 आया तो ये रिस्क फैक्टर इसमें प्रेशर अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है। आगे हम बहुत ही कम स्लाइड रहते हैं ख़त्म होने में, तो ये वाटर लो स्केल हो गया, ये भी बिल्कुल हम वेट और साइज को देखते हैं, स्किन को देखते हैं, एज को देखते हैं, और स्पेशलिस्ट टिश्यू न्यूट्रिशन को देखते हैं, कंटिनेंस को देखते हैं, मोबिलिटी को, एपेटाइट को, न्यूरोलॉजिकल डिविजन, सर्जरी को, मेडिकेशन को, ये सारे आप क्या करते हैं, आप इसको मद्देनज़र रखते हुए आप पॉइंट्स देते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट प्रेशर अल्सर के रिस्क में है या नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, स्कोरिंग और 10 एट रिस्क और 16 हाई रिस्क, 16 वेरी हाई रिस्क। तो ये वाटर लो क्या हुआ, प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट रिस्क में है या नहीं है। Thank you.